हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सम्मल और मेरे पास एक आया था, एक मॉडल आया था नोकिया का 105 मॉडल है। ठीक है, तो ये आया था नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम आया था, लेकिन सक्सेसफुली अभी देखिए पूरा ये चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूस चार्ज हो रहा है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अभी। तो क्या था प्रॉब्लम और मैं कैसे सॉर्ट आउट किया, आज वीडियो हम जानेंगे। ओके, तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ, फिर से इसको चार्ज से बाहर निकालता हूँ, फिर से चार्ज लगाता हूँ। ओके, फास्ट चार्जिंग हो रहा है, कुछ समय के बाद हो रहा था नॉट चार्जिंग, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है। देखिए थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके, देखिए अभी मैं यहाँ पर बैटरी को निकाल लेता हूँ, स्विच ऑफ कर लेता हूँ बैटरी को। नोकिया का TA1010 सिंगल सिम वाला 105 मॉडल है, नोकिया का न्यू मॉडल 105 न्यू मॉडल TA1010। पहले तो पानी लगकर ये चार्जिंग कंडक्टर पूरा खराब हो गया था। फास्ट पहला चीज है, तो मैं इसको चार्जिंग कंडक्टर को चेंज किया। चेंज करने के बाद चार्ज होने लगा, लेकिन आ गया नॉट चार्जिंग। उसके बाद मैं क्या किया, ये कैपेसिटर और ये जो आईसी है ना उसको निकाल कर एक जम्पर ले लिया। देखिए हाँ जी, यहाँ तक जम्पर ले लिया, फिर भी मेरा प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया, देखिए काम हुआ यहाँ पर, ये जो रजिस्टर है ना ये पूरा कार्बन हो गया था, इसको निकाल कर फिर से नीचे थोड़ा स्क्रैच करके रीसोल्डिंग करके फिर से इसको लगाया, और ये साइड में कंपोनेंट था इसको मैं हटाया, तभी जाकर ये चार्ज हुआ। तो आपको क्या करना है, ये वाला कंपोनेंट को भी, जो रजिस्टर है ना R22 का जो रजिस्टर है, ये जो भी रजिस्टर है ये, इसको आपको अच्छे से चेक करना है, नहीं तो इसको भी आपको रिप्लेस कर लेना है अलग सेट से इसको भी आपको रिप्लेस कर लेना है, तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, फास्ट मैंने जो किया, चार्जिंग कंडक्टर चेंज किया, एक जम्पर लगाया, आईसी और कैपेसिटर निकाल कर एक जम्पर लगाया। ठीक है, देख लीजिए जम्पर को, ओके। उसके बाद क्या किया, मैं ये वाला रजिस्टर को चेंज नहीं किया, वही रजिस्टर है, लेकिन थोड़ा ये कार्बन हो गया था ना, इसलिए इसको साफ करके फिर से रिसोल्डिंग कर लिया, काम मेरा बन गया। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।